तो भाई लोग कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फेस स्वैप वीडियो कैसे बनाया जा सकता है। दरअसल ये रिक्वेस्ट आया है आमिर मंसूरी भाई का, जो जिनका यूट्यूब चैनल है आमिर मंसूरी क्रिएशन, और उन्होंने जो है कुछ वीडियो फुटेज मुझे सेंड किया है और उन्होंने कहा है कि इस तरह का फेस स्वैप वीडियो जो है मुझे किस तरह से बनाना है उसके बारे में ट्यूटोरियल चाहिए। तो उनके लिए जो है मैं ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ और ये ट्यूटोरियल आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो इस ट्यूटोरियल को ज़रूर देखिए। तो ये वीडियो उन्होंने सेंड किया है तो कुछ इस तरह का वीडियो है, ठीक है। तो ये इस तरह का फेस वॉश है, आप देख सकते हैं इस तरह का फेस वॉश वीडियो है। तो ये जो है मुझे क्रिएट करना है और इसको हम करेंगे एडोबी आफ्टर इफेक्ट में। मुझे पता है कि बहुत से भाइयों का ये कमेंट रहेगा कि भाई काइन मास्टर में भी इसका ट्यूटोरियल दो, तो काइन मास्टर में भी ऑलमोस्ट आपको सेम ही चीज़ लगी है, मतलब कि आपको जो है उसमें एनिमेशन देना पड़ेगा, तो वो चीज़ करके भी आप कर सकते हैं। मगर जो बेसिक चीज़ है वो मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बता दे रहा हूँ। एडोबी आफ्टर इफेक्ट के साथ में जो फ़ायदा रहेगा वो काइन मास्टर से कहीं ज़्यादा रहेगा। आप इस तरह के प्रोफेशनल अगर वीडियो बनाना चाहते हैं थोड़ा प्रोफेशनली तरीके से, तो आपको कहीं ना कहीं एडोबी आफ्टर इफेक्ट या फिर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर चाहिए जिसपे आप ये बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको पीसी का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको क्रिएट करेंगे एडोबी आफ्टर इफेक्ट में। तो सबसे पहले जो है जो बेसिक चीज़ है, आपको वो वीडियो फुटेज चाहिए जिस पे आप फेस वेब वीडियो बनाना चाहते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सीन है ये सिंघम मूवी का एक फाइट सीन है, और इस पे जो है किसी भाई ने जो है केजरीवाल का फ़ोटो और यहाँ पर मनोज तिवारी जो है उनका जो है इमेज से फेस वेब वीडियो बनाया हुआ है। तो मैंने भी जो है एक इमेज डाउनलोड किया है केजरीवाल जी का, और सबसे पहले जो हमको करना ये है कि जो इमेज है जिसका हम फेस स्वैप करना चाहते हैं या फिर किसी का फेस लगाना चाहते हैं, तो उनका जो है सिर्फ फेस रख के बाकी का जो पार्ट है उसको इरेज करना है। तो इसके लिए जो है आप एंड्रॉयड पे इरेजर के एप्लीकेशन से या पिक्सार्ट के एप्लीकेशन के मदद से जो है आप वो सारा चीज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर कंप्यूटर में एडोबी आफ्टर इफेक्ट है तो उसमें भी जो है आपको सिर्फ फेस रखना है, बाकी का पार्ट जो है उसको बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट रखना है, उसको इरेज कर देना है। तो कुछ इस तरह का जो है मैंने इमेज बना रखा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ साइड में अगर मैं इसको डबल क्लिक करके दिखाऊं तो ये मैंने केजरीवाल जी का जो है सिर्फ हेड को मैंने रखा हुआ है और इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट है। तो इस तरह का इमेज आपको पहले क्रिएट कर लेना है, किसी का भी आप लगाना चाहते हैं जिस जिस का लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये जो चीज़ है आप कर लीजिए। सो गाइस सबसे पहले जो है हम अपना जो वीडियो फुटेज है उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वो सॉरी सिंघम का ये जो सीन है ये वीडियो फुटेज है मैंने डाउनलोड किया है, इसको यहाँ से लेके हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। सो अगर यहाँ पर जो है हम अपना जो सीन सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा सीन है, यहाँ से हम कंट्रोल शिफ्ट डी दबा के इस जो लेयर है इसको स्प्लिट कर देते हैं, और यहाँ से जो आगे का लेयर है जो आगे का जो वीडियो है उसको हम डिलीट कर देंगे। अब यहाँ से जो है हमारा जो कहाँ तक सीन रहेगा उसको देखते हैं, तो हमको यहाँ तक काम करना है, तो इसको हम ठीक है तो यहाँ तक हमारा जो पहला सीन है यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ से भी कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करके हम इसको स्प्लिट कर देंगे। यहाँ से नॉर्मल आप यहाँ से जो है एडिट पे जाके भी स्प्लिट लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट डी आप देख सकते हैं, तो ये शॉर्ट की है। अब इसके बाद में हम यहाँ कीबोर्ड पर एन प्रेस करेंगे तो हमारा जो वर्क एरिया है वो इतना में ही आ जाएगा, यानी कि यहीं तक ही हमारा जो वीडियो रेंडर होगा, है ना। तो यहीं तक हमको वर्क करना है, तो यहीं तक हमको चाहिए। सो गाइस ये हमारा पहला जो वीडियो सीन जो सीन है वो आ गया है, इस पर हमको फेस रिप्लेस करना है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमको करना है ट्रैक मोशन। तो हम सिंपल यहाँ पर इस राइट साइड के इस पैनल में आप ट्रैक मोशन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर जो वीडियो लेयर है जिस पे वर्क करना है वहाँ पर आप राइट क्लिक कीजिए अपने माउस पे, तो यहाँ पर भी आपको ट्रैक मोशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको सिंपल ट्रैक मोशन पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर जो है आपको एक इस तरह का मोशन के लिए एक पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ से इसको करके यहाँ से इसको सिलेक्ट करके हम फेस पे ले जाएंगे, एक्टर के फेस पे ले जाएंगे ताकि हमारा जो ट्रैकिंग है वो फेस पे हो सके। तो हमने जो है सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे ट्रैकिंग, अब इसको भी हम सही से सेट कर देते हैं, साइज कर देते हैं कि हमको कहाँ तक ट्रैक करना है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रैकिंग सिलेक्शन हो गया, हमको जो है फेस है उसको ट्रैक करना है।
अब इसके बाद में इसको एक्चुअली फ्रंट में रखना चाहिए सबसे स्टार्टिंग में, मगर हुआ नहीं, कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा ऐसा सेट कर देते हैं। तो ये हमारा ट्रैकिंग सिलेक्शन हो गया है। अब यहाँ से जो है हमारा टाइमलाइन सबसे स्टार्टिंग में है, यहाँ से हम इसको फॉरवर्ड में ट्रैक करेंगे, तो हमारा जो है फेस ट्रैकिंग वो हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ट्रैकिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हमको लेयर में जाना है और यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सॉरी लेयर में यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमको एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ नल ऑब्जेक्ट 2 आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में मैंने एक जो है और नल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, तो इसलिए नल 2 आ रहा है। आप पहली बार करेंगे तो नल 1 आएगा, तो कोई बात नहीं। इसके बाद में हम जाएंगे एडिट टारगेट पे और यहाँ से जो है इस वाले नल को सिलेक्ट करना है, तो नल 2 है तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है और इसके बाद में इसको ओके कर देंगे। अब इसके बाद में अप्लाई पे क्लिक करेंगे और एक्स एंड वाई इसको ओके कर देना है। तो जो हमारा ट्रैकिंग डेटा है वो नल पे ट्रांसफ़र हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नल का पॉइंट बन गया है, ट्रैकिंग पॉइंट बन गया है। और यहाँ पर अगर मैं टाइमलाइन को इस तरह से आगे पीछे करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस जो ट्रैकिंग पॉइंट है उसको नल फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया हमारा कंप्लीट। अब जो है हमको वो इमेज को इंपोर्ट करना है जो हमने ट्रांसपेरेंट बनाया है, जैसे कि ये वाला इमेज। तो इसको हम यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देंगे, तो ये इमेज आ गया है। अब इसको जो है हमको इस फेस के ऊपर सेट करना है, तो इसको हम कीबोर्ड पे एस प्रेस करेंगे तो स्केल का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। आर पे प्रेस करके तो जो पोजीशन स्केल और रोटेशन है इसका इस्तेमाल करके हम इसको अच्छे तरीके से फिट करेंगे ताकि ये जो सही जगह में सही तरह से लगे। ठीक है, तो ये फिट हो गया है। यहाँ पर हमारा जो काम है फेस सेट करने का वो काम हो गया है। अब यहाँ से जो है हम इस वाले पॉइंट को अपने माउस के जो लेफ्ट की है उसको प्रेस करके यहाँ से लेके हम इसको नल पे ड्रॉप कर देंगे, यानी कि जो ये फेस है फेस को हम नल के साथ ट्रांसपेरेंट कर दिए, यानी कि हमारा जो नल है जो हमारा जो मोशन ट्रैकिंग में के साथ कनेक्ट है, यानी कि पूरा डेटा नल पे है, तो वही डेटा जो है फेस पे भी जो है वो आ गया, यानी कि इसको नल को फॉलो कर रहा है। यहाँ से अगर हम प्ले करें तो यहाँ आप देख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो कोई कोई पॉइंट में ये थोड़ा सा तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, फेस वाले जो लेयर है जहाँ जो फेस है उस पे हमको पोजीशन इस पे जो है लॉक कर देना है यहाँ पोजीशन पे, और उसके बाद में पोजीशन पोजीशन सही है इसमें रोटेशन, और ये क्या रोटेशन भी कर सकते हैं, तो आर पे आप चाहें तो रोटेशन भी, अगर रोटेशन में भी कहीं आपको थोड़ा एनिमेशन देना है तो रोटेशन का भी यहाँ की लॉक कर दीजिए, और स्केल की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, तो पोजीशन रोटेशन इसको हमने कर दिया है। और यहाँ से जो है हम देखेंगे 2-3 फ्रेम में अगर कहीं हमको लगता है कि हमारा जो ट्रैकिंग सही नहीं है, कहीं थोड़ा मिसमैच है हो रहा है, तो उस चीज़ को हम सही कर सकते हैं। तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ थोड़ा सा फेस थोड़ा सा आउट हो रहा है, तो इसको हम इस तरह से सही पोजीशन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा काम थोड़ा और फिनिश हो जाएगा, मतलब थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत भी हमारा ट्रैकिंग में अगर थोड़ा बहुत भी मिस्टेक हो रहा है तो वो चीज़ जो है सॉल्व हो जाएगा। सो गाइस यहाँ से जो है हमारा ट्रैकिंग खत्म हो गया और आप यहाँ से वो है कलर मैचिंग का। ठीक है, तो यहाँ आप देखें तो इसका कलर और इसका कलर जो कलर है स्किन है वो मैच नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से कलर करेक्शन में एक कर्व ले लेते हैं।
आप जो है कलर करेक्शन का या कलर मैचिंग का जो है ट्यूटोरियल वगैरह देख लीजिए, और किस तरह से कलर करेक्शन वगैरह करना है या मैचिंग करना है वो ट्यूटोरियल देख के आप कर सकते हैं। मगर जो सिंपल चीज़ है वो मैं यहाँ से करने की कोशिश करता हूँ। मैंने जो है एक कर्व ले लिया है इफ़ेक्ट में, और यहाँ से जो है थोड़ा जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो ब्राइटनेस जो है हम थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ब्राइटनेस थोड़ा सा हमने कम कर दिया, और स्किन का कलर मैच करने के लिए हम यहाँ से आरजीबी इसको थोड़ा हम कम कर दिया, रेड थोड़ा सा रेड इंक्रीज़ करते हैं ताकि थोड़ा रेडिश आए, और यहाँ से थोड़ा ग्रीन, तो ग्रीन को भी थोड़ा, तो इस हिसाब से या थोड़ा सा ब्लू चैनल, तो ब्लू चैनल में सो गाइस ब्लू चैनल थोड़ा सा हमने कर लिया है, और इस तरह से जो है थोड़ा बहुत कलर करेक्शन वगैरह जो है हम कर देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने जो है फेस का जो कलर है उसको भी हमने मैच ऑलमोस्ट मैच कर दिया है। तो इस तरह से जो है हमारा पहला जो सीन है एक चीज़ है, अभी भी आप लोग अगर थोड़ा जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो एक्टर का जो है हेयर वगैरह दिख रहा है। तो इस चीज़ को भी आप रिमूव वाले जो ट्यूटोरियल है उसको देखिए कि किस तरह से हमको ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है, उस प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो हमारा इमेज है इसका इमेज को हम बंद कर देते हैं, और हम जो है यहाँ पर ये जो फेस है इसको रिमूव करेंगे पहले, ताकि हमारा जो वीडियो है वो सही लगे। तो सबसे पहले हम इस लेयर को डुप्लीकेट कर देते हैं, तो मैं कंट्रोल डी प्रेस करके इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, और ऊपर वाला जो लेयर है उसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से मैं पेन टूल ले लेता हूँ, और पेन टूल लेने के बाद में जो फेस है ठीक है इसको मैं इस तरह से मास्क कर देता हूँ। तो ये हमने मास्क कर दिया, इसके बाद में हम कीबोर्ड पे एम प्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मास्क पाथ का ऑप्शन है, यहाँ पर हमको की लॉक कर देना है, और यहाँ से जो है इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो है हर 2-3 फ्रेम हमको चेक करना है, और इसको इसका जो पोजीशन है सही करेंगे ताकि हमारा जो मास्किंग है वो सही रहे। इसको रोटोस्कोपी का ट्यूटोरियल भी आप देख लीजिए, बहुत सारा रोटोस्कोपी का ट्यूटोरियल आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो इस तरह से हमको जो है रोटोस्कोपी कर देना है फेस पे। सो गाइस यहाँ पर जो है हमारा रोटोस्कोपी जो है मास्किंग वो कम्प्लीट हो गया है। अब यहाँ पर इस वाले पॉइंट को अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक्टर का फेस आ रहा है, बाकी बैकग्राउंड जो है वो इरेज हो गया है। तो यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आ रहा है, इसको हमको कर देना है सबट्रैक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा, यानी कि जो फेस है वो रिमूव हो गया है। अब इसके जो बैकग्राउंड में हमको जो है फील करना है, यानी कि इसका बैकग्राउंड को जो है हमको देना है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो नीचे वाला लेयर है इसको फिर से एक बार हम कंट्रोल डी दबा के डुप्लीकेट कर देते हैं। ठीक है, अब नीचे वाला ऊपर वाला लेयर तो ये सिलेक्ट है, फेस सिलेक्ट कर रहा है, और नीचे वाला लेयर है इसको हम एज ए बैकग्राउंड हम लेंगे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड जो है स्काई का या जो भी है सीन आ रहा है, मतलब आ रहा है, तो हम नीचे वाला जो लेयर है यानी कि जो इस वाले लेयर का जो नीचे वाला लेयर है जो बैक में रहेगा इसको हम सिलेक्ट करते हैं, और इसका पोजिशन जो है सॉरी ठीक है, तो नीचे वाला लेयर है इसको हमने सिलेक्ट कर दिया है यहाँ से, और इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से जो है मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से जो है हमने फेस को रिमूव कर दिया है। अब ऊपर वाले लेयर को लेंगे, फिर से हम डबल एम प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर जो है मास्क फेदर का ऑप्शन आएगा, तो हमको जो है थोड़ा सा फेदर जो है दे देना है, ताकि हमारा जो हमने मास्क किया है उसका एज शार्प ना लगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिए कुछ इस तरह का है, तो मास्क फेदर जो है इसको थोड़ा बहुत आप सही कर लीजिए अपने हिसाब से, मेरे ख्याल से 3 इतना काफ़ी है। ठीक है, पिक्सल भी जो है हम थोड़ा बहुत सेट कर सकते हैं।
अब जो है हम जो हमारा इमेज है उसको हम ऑन कर देते हैं। अब जो है फिर से हम थोड़ा फेस को इसको सही से पोजीशन सेट कर देते हैं ताकि ये सही लगे। तो ये हमारा जो फाइनल आउटपुट जो पहला सीन है वो हमने क्रिएट कर दिया है। तो पहला जो ट्यूटोरियल है आज का वो हमारा कंप्लीट होता है। और ये जो प्रोसेस है आपको हर सीन के अंदर, हर अलग अलग सीन के अंदर अलग अलग थोड़ा आपको चेंजेस करने होंगे, मगर जो बेसिक चीज़ है वो वही है कि आपको जो है एक ट्रांसपेरेंट पीएनजी इमेज हेड वाला चाहिए किसी का भी, और उसके बाद में जो है आपको मोशन ट्रैकिंग का यूज़ करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और भी चीज़ें जो है जैसा मोका प्रो का यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये सिर्फ एडोबी आफ्टर इफेक्ट है, आप ये जो चीज़ है सिर्फ एडोबी आफ्टर इफेक्ट विदाउट किसी प्लगइन, एक्स्ट्रा प्लगइन के कर सकते हैं, वो ये ट्यूटोरियल है। और आगे के वीडियो में मैं आपको मोका प्रो में कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो जो है बस इतने ही, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। अगर आप एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो या फिर मेरी एडिटिंग वीडियो देखना चाहते हैं या फिर उसका कुछ मतलब एडिटिंग ट्यूटोरियल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी भी ऐसा वीडियो का ट्यूटोरियल आप चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा वीडियो जिसपे मैं आपको ट्यूटोरियल बताऊँ, जैसे कि आमिर भाई ने मुझे ये वीडियो सेंड किया था और उसका ट्यूटोरियल चाहते थे, तो जैसे मैंने आपको बताया इस ट्यूटोरियल में, तो ऐसे ही किसी वीडियो का आप ट्यूटोरियल चाहते हैं तो उस वीडियो को भी आप मुझे व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए उस वीडियो का ट्यूटोरियल बना के दूँ। तो आज का वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।